हेलो लाला, एक बॉल 6 रन, क्या करें? अच्छा एक काम करो, बल्ले को मजबूती से पकड़ो, बल्ले को मजबूती से पकड़ो, दो कदम पीछे लो, बॉलर की आंखों में आंखें डाल, दिल बड़ा कर, आंखें बंद कर और घुमा दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पाकिस्तान, 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 अगर पाकिस्तान नहीं होता तो इस दुनिया का पता नहीं क्या होता। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन क्रिकेट तो पाकिस्तान के बिना अधूरा है। इन्होंने क्रिकेट देखने का नजरिया ही बदल दिया। कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, लड़ाई, रोमांस, ये सब आया कहाँ से? पाकिस्तान से। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस लीग के बारे में, जिसे देखने के लिए लोगों के बीच में कत्लेआम हो जाते हैं। लोग अपनी प्रॉपर्टी तक गिरवी रख देते हैं टिकट खरीदने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ PSL की, पाकिस्तान सुपर लीग, जो सिर्फ नाम से ही सुपर है। अबे ये कैसे शौक है भाई? अब पता चला पाकिस्तान में इतने अच्छे फास्ट बॉलर क्यों होते हैं। शुरू से ही बॉल से खेलने का शौक है। चट देनी मार देली, खींच के तमाचा ही हंस देले। भाई ये क्या, फील्डर ने कैच क्या छोड़ी, सीधा थप्पड़ ही मार दिया। हसन अली भाई, आपकी किस्मत अच्छी है जो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैच छोड़ने के बाद जिंदा घूम पा रहे हो, वरना क्या पता आपकी आत्मा दुबई के स्टेडियम में ही भटक रही होती। एक तो भाई जब से IPL ऑक्शन हुआ है और इतने ज्यादा पैसे देखकर पाकिस्तान के कुछ लोग बौखला गए हैं और अलग अलग टाइप के ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि शाहीन अफरीदी और बाबर आजम अगर IPL ऑक्शन में होते ना तो 200 करोड़ 400 करोड़ में बिकते। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। भाई 200 करोड़ में जीरो कितने होता है तुझे ये पता है? नहीं नहीं सपने देखो, अच्छी बात है, लेकिन औकात में रहकर जेम्स फॉकनर को सैलरी देनी गई और बात कर रहे 200 करोड़ की। और फॉकनर भाई भी गजब आदमी, होटल में तोड़ फोड़ करके अपने घर ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया। मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं, इन वकीलों को मैं खिलाता हूं, तुम लोगों मेरे से मांग रहे हो, वकीलों से मांग रहे हो, अरे कुछ तो शर्म करो, मेरी हालत इतनी बुरी है, आराम करो, अरे भगवान से डरो तुम लोग। अभी PSL में कुछ लोग विराट कोहली का पोस्टर ले आए तो लोग बोलने लगे कि देखा पाकिस्तान कितना अच्छा है, इंडिया में करके दिखाओ तो हम माने। देखो इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन हम करेंगे तो तब ना जब तुम्हारे पास कोई ढंग का प्लेयर होगा। अब हम विराट कोहली को बाबर आजम से तो कंपेयर कर नहीं सकते। बात तो सही है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।